अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शहर में श्री भागवत कथा महोत्सव द्वारा धूमधाम से गाजे बाजे संघ शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कलश शोभा यात्रा के साथ में गणपति पूजा की गई। पूजा समितियों द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। परशुराम नगर से निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में कन्याए व महिलाओं ने भाग लिया। सारे बठिंडा निवासियों को निवेदन किया जाता है कि कल 9 सितम्बर से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। श्री हरिहर उदासीन आश्रम में जीवन का परम लाभ है जो प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और यदि कुछ है जीवन में तो जरूर अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का लाभ उठाएं एवं कथा सुन करके अपने जीवन को कृतकृत करें। धन्यवाद। बाबा जी हरिहर आश्रम से नाली भागवत विसर्जन होएगा, आरंभ होएगा, 7 दिन तक चलेगा। बाबा जी का भोग पेगा, फिर भंडारा होएगा। हर साल ही बाबा जी करते हैं भागवत रखते हैं, गणेश जी का विसर्जन करते हैं। असं हर साल ही आने, मैं अपनी मम्मी करके आनी हूँ हर साल बाबा जी भागवत रखते हैं हर साल। सप्ताह यज्ञ करते हैं बाबा जी, यात्रा निकालते हैं, गणेश जी रखते हैं, विसर्जन करते हैं बाबा जी गणेश जी का। श्री उदासीन हरिहर आश्रम से एक विशाल शोभा यात्रा निकल गई। यह विशाल शोभा यात्रा श्री माधव भगवत कथा जो 9 से लेकर 16 तारीख तक चलती है उसके प्लस में निकाली गई। सभी मल्ल निवासियों से निवेदन है कि कथा में पहुंचकर अपना अपंत जी के विचार सुने और अपना लाभ उठाएं, और ये कथा का आयोजन 9 से 16 तक 3 से लेकर 6 बजे तक हर रोज होगा, और 16 तारीख को भंडारे का आयोजन होगा और हवन होगा। कैमरा मैन खान के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।